सोनी टीवी के रियलिटी टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति की लंबी फैन फॉलोइंग है। जहां इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग खूब मेहनत करते हैं, तो वहीं व्यूवर्स भी बेसब्री से इस क्विज शो का इंतजार करते हैं। जहां कुछ लोग इस शो से करोड़पति बनकर निकलते हैं, तो वहीं कुछ ने लाखों जीते हैं। लेकिन इस बार करोड़पति बनने के लिए कंटेस्टेंट की राह कठिन होने वाली है, क्योंकि शो में एक बड़ा बदलाव किया गया है। एक्टर अमिताभ बच्चन के शो केबीसी के पार्टिसिपेंट्स के लिए झटके वाली खबर हो सकती है। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कौन बनेगा करोड़पति यानी कि केबीसी शो से एक लाइफलाइन ही हटा दी गई है। पहले जहां खेलते समय 4 लाइफलाइन दी जाती थी, वहीं अब कंटेस्टेंट सिर्फ 3 लाइफलाइन ही ले सकेंगे। अब सामने आई इन्फॉर्मेशन में पता चला है कि इनमें से एक को लिस्ट से हटा दिया गया है। ऐसे में अब कंटेस्टेंट के पास बचने के लिए केवल 3 ही मौके हैं। केबीसी कोई शो है और जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही सवाल कठिन होने लगते हैं। लाइफलाइन से कंटेस्टेंट को काफी मदद मिलती है। शो में फोन अ फ्रेंड, 50-50, ऑडियंस पोल और एक्सपर्ट्स एडवाइस कुल 4 लाइफलाइन थी। लेकिन सामने आई रिपोर्ट में पता चला है कि एक्सपर्ट एडवाइस को इस बार हटा दिया गया है, जो कि किसी कठिन सवाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफलाइन हुआ करती थी और ऑलमोस्ट हर एक्सपर्ट का जो भी राय रहती थी वही कंफर्म्ड आंसर रहता था, बिकॉज उनको बहुत नॉलेज रहता था। बट अगर ऐसा कुछ हुआ है और इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई है, देन ये तो कंटेस्टेंट के लिए बहुत ही सैडनिंग न्यूज होने वाली है। ट्रेंडिंग बॉलीवुड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।